Now I would like to a huge round of applause, ladies and gentlemen, to thank you, ladies. Chair of the Chamber of Commerce and Industry, Jammu Chapter, Sri Rahul Sahai Ji, Sri G.P. Goyal Ji, Sri Gaurav Gogia Ji, Karyakram mein upasthit, sabhi entrepreneurs, innovators, industry ke sabhi pratinidhi, intellectual property rights se jude sabhi stakeholders, देवियों सज्जन और मित्रों, मुझे प्रसन्नता है कि वर्तमान आर्थिक जगत के महत्वपूर्ण विषय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आईपीआर पर दो दिवसीय कॉन्क्लेव आईपी यात्रा का आयोजन आप सबने मिलकर किया है। मुझे विशेष रूप से इस बात की भी प्रसन्नता है कि आप सबने मिलकर इस आयोजन में एक टेक्निकल सेशन आईपी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को समर्पित किया। मुझे उम्मीद है कि इस सेशन द्वारा एमएसएमई इन्वेंटर्स इनोवेटर्स को सही तरीके से गाइड किया जा सकेगा, जिससे वह बौद्धिक संपदा को अपने विकास के महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करेंगे। इस यूनियन टेरिटरी के इंटेंजिबल एसेट्स को प्रोजेक्ट और प्रमोट करने की संस्कृति हमें विकसित करनी होगी, क्योंकि अथाह बौद्धिक संपदा होने के बावजूद मुझे लगता है कि आईपीआर को ट्रेड में कंपटीशन और व्यवसाय के विस्तार के लिए उस मात्रा तक हम इस्तेमाल नहीं कर सके जितना किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कमोबेश भारत में भी पूर्व के दिनों में इसके प्रति उदासीनता थी, लेकिन पिछले 8-9 वर्षों में सोच में बदलाव पूरे देश में आया है और निश्चित रूप से इसका श्रेय भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को जाता है।